सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट की एक प्रस्तुति। अंदर बाहर ऊपर नीचे भाग रहे हैं आंखें नीचे, मोटे पतले हल्के भारी, चूहे दौड़े आगे पीछे, पास आई जब बिल्ली रानी, दूर गए सब पीने पानी। पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है और बिल्ली पेड़ के नीचे खड़ी है। बताइए, गुड्डा पलंग के ऊपर बैठा है या नीचे? अंदर, छत्ते के बाहर, मधुमक्खी छत्ते के अंदर है और तितली छत्ते के बाहर है। बताइए, फुटबॉल डिब्बे के अंदर है या बाहर? दौड़ में पीछे, पीले रंग की टी-शर्ट वाला लड़का दौड़ में आगे है और गुलाबी रंग की टी-शर्ट वाला लड़का दौड़ में पीछे है। बताइए, लाल रंग वाली कार आगे है या पीछे? बड़ी मछली, छोटी मछली, नीले रंग वाली मछली बड़ी है और पीले रंग वाली मछली छोटी है। बताइए, हाथी और खरगोश में कौन सा जानवर बड़ा है? डाल पर कुछ चिड़िया बैठी हैं। इस डाल पर भी कुछ चिड़िया बैठी हैं। ओह, कुछ चिड़िया इस डाल से उड़ गई हैं। अब हम देखते हैं, किस डाल पर कम चिड़िया हैं और किस डाल पर ज्यादा। इस डाल पर कम चिड़िया हैं, इस डाल पर ज्यादा चिड़िया हैं। बताइए, सेब और केले में से कौन से फल कम हैं?
हल्का भारी। गुब्बारा हल्का है और सामान की बोरी भारी है। बताइए, फुटबॉल और पंख में से कौन सी वस्तु भारी है? इन सभी जीवों को पैरों के गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटते हैं। हम देख सकते हैं कि दो पैर और चार पैर वाले जीव अलग अलग समूहों में बंट चुके हैं। अब इन वस्तुओं को रंगों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटते हैं। किसी भी वस्तु को उसके विशेष गुण के आधार पर समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। मेरा नाम रुहाना है। हम रुहाना और उसके परिवार को लंबाई के आधार पर बड़े से छोटे की ओर खड़ा करते हैं। हम देख सकते हैं कि सबसे पहले रुहाना के पापा खड़े हैं, जो कद में सबसे लंबे हैं। उनके बाद रुहाना की मम्मी खड़ी हैं, जो पापा से कद में छोटी हैं। उनके बाद रुहाना खड़ी है, जो पापा और मम्मी से कद में छोटी है। रुहाना के बाद उसका भाई चिंटू खड़ा है, जो कद में सबसे छोटा है। हमने देखा रुहाना का परिवार लंबाई के आधार पर बड़े से छोटे की ओर खड़ा है। अब हम गमलों को ऊंचाई के आधार पर छोटे से बड़े की ओर लगाते हैं। हम देख सकते हैं कि सबसे पहले छोटा गमला रखा है, जो कि गुलाबी रंग का है। उसके बाद उससे बड़ा गमला रखा गया है, जो नीले रंग का है। अब भूरे रंग का गमला रखा है, जो कि नीले से बड़ा है। अंत में लाल रंग का गमला रखा है, जो सबसे बड़ा है। हमने गमलों को ऊंचाई के आधार पर छोटे से बड़े की ओर रखा। किसी वस्तु को उसके विशेष गुण के आधार पर क्रम से लगाने को क्रमबद्धता कहते हैं। हमें कुछ पेंसिलें और कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब हम सब बच्चों को बारी बारी से पेंसिल देंगे और जानेंगे कि बच्चे ज्यादा हैं या पेंसिलें।
हमने देखा कि हर बच्चे को बारी बारी से पेंसिल दी गई और देखा कि कुछ पेंसिलें बच गई हैं। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि बच्चे कम हैं और पेंसिलें ज्यादा। हमें कुछ बोतलें और कुछ ढक्कन दिखाई दे रहे हैं। अब हम जानेंगे कि बोतलें कम हैं या ढक्कन। ओह, कुछ बोतलें तो बिना ढक्कन के ही रह गई। ढक्कन और बोतल को मिलाकर यह जाना, बोतल ज्यादा है, ढक्कन कम। इस प्रकार कम और ज्यादा करने की विधि एक-एक संगतता कहलाती है। पत्थर रुई का ढेर। अब हम रुई और पत्थर को तराजू पर रखकर देखते हैं। तराजू रुई के ढेर की तरफ झुक गया है। अब पत्थर को तराजू पर रखकर देखते हैं। अरे, यहाँ रुई पत्थर से हल्की है। एक बड़ा सा जंगल था, उसमें सभी छोटे बड़े जानवर एक साथ रहते थे। जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में एक बड़ा मगरमच्छ और बहुत सी छोटी छोटी मछलियां, कछुए और मेंढक रहते थे। तालाब के किनारे एक पेड़ था, जिस पर एक बंदर रहता था। बंदर हाथी के ऊपर आते जाते केला फेंकता था और उसे चिढ़ाता भी था। बंदर को ऐसा करने में बड़ा मजा आता था। बंदर जिराफ के ऊपर भी केला फेंकता था और उसे भी चिढ़ाता था। बंदर जंगल के सारे जानवरों के साथ ऐसा करता था। सभी जानवर बंदर को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए सभी जानवरों ने मिलकर एक बैठक की। मैं तो बड़ा हूँ, जबकि बंदर मुझसे छोटा है। मैं उसे अपनी सूंड से उठाकर फेंक दूंगा। हम इतने ज्यादा है और हमारी ताकत भी उससे ज्यादा है। बंदर तो अकेला है, ताकत हमसे बहुत कम है। आप लोग परेशान मत हो, चल मैं उसके कान के अंदर जाकर ऐसा काटूंगी कि बंदर पेड़ के ऊपर से नीचे आ गिरेगा। अगले दिन हिरणों का झुंड पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। बंदर उन्हें चिढ़ाने लगा। छोटी चींटी यह सब देख रही थी।
फिर वह चींटी अपने साथियों के साथ मिलकर बंदर के कान के अंदर घुस गई और वे सब उसके कान में काटने लगी। बंदर दर्द से कराहते हुए नीचे गिर जाता है। बंदर को परेशान देखकर सभी जानवरों ने एक साथ कहा कि हमेशा दूसरों को परेशान करते हो, आज खुद को ऐसी हालत में पाकर कैसा लग रहा है? मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी किसी को तंग नहीं करूंगा। बंदर ने सभी जानवरों से माफी मांगी और फिर सभी जानवरों ने उसे खुशी खुशी माफ कर दिया। प्रस्तुति सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट।